अस्सलामुअलैकुम, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और भाई हमारी तो आज ईद हो गई, आप लोगों की ईद कल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं अभी जा रहा हूँ बकरा लेने के लिए, चलेंगे? मजाक कर रहा हूँ, फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ। गोश्त पहुंचाना हो वो यहाँ आके गोश्त पहुंचा सकता है, मैं पूरे दिन अवेलेबल हूँ इधर। अच्छा भाई, हम तो सुबह सुबह उठे और मस्जिद पहुंच गए ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के लिए। इमाम साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की, कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सब कुछ चाइनीज़ में था। एनीवे, अब एक बात सुने, ईद उल अज़हा से रिलेटेड मेरे जहन में दो बातें जो कि मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। देखिए, नॉर्मली होता क्या है कि मिसाल है, अब्दुल्ला भाई हैं, अब्दुल्ला भाई मवेशी मंडी पहुँचे हैं और खूबसूरत सा जानवर, तगड़ा जानवर ख़रीद के लेकर आए हैं। लेकिन अब्दुल्ला भाई के घर में टोटल हैं 7 अफराद, जिसमें से हैं 2 बच्चे। अब अब्दुल्ला भाई करेंगे क्या? टोटल 7 अफराद के नाम डाल देंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो देखें कोई मसला नहीं है, बच्चों के नाम आप कुर्बानी के जानवर में डाल सकते हैं, ऐसी इसमें कुर्बानी के ऊपर कोई मज़ायके की बात नहीं है। लेकिन बेहतर ये होगा कि अगर आपके ख़ानदान के कुछ मरूमीन हैं तो आप उनके नाम डाल दें, बजाय इसके कि आप बच्चों के नाम डालें। अब देखें एक और केस है, मिसाल है रहमतुल्ला साहब हैं, रहमतुल्ला साहब मवेशी मंडी गए और 1,70,000 रुपये की खूबसूरत सी जानवर लेकर आ गए। बट बात यह है, रहमतुल्ला साहब के घर में है 15 अफराद और 15 में से 10 ऐसे लोग हैं जिन पर कुर्बानी फ़र्ज़ है। अब होगा क्या कि उस गाय में सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों की ही कुर्बानी हो सकेगी, बाकी 3 लोगों की कुर्बानी नहीं हो सकेगी। सोचने की बात है, साल में एक दफ़ा कुर्बानी का मौका आता है और हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, लाइक ईदी सेंटर, सैलानी वेलफेयर्स, अपना एक ही जाके हिस्सा ले लें क्योंकि ये मौका सिर्फ साल में एक दफ़ा आता है और ये हम पर फ़र्ज भी है। हेलो, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ, बाजी सर, पाथिया, 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 वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी सी कुछ गुजारिशात थी, बाकी ये कि अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत ईद मुबारक, हो सके तो सफाई सुथराई का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आगे आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, हमने देखें झंडे लगाए हुए और फ्रूट्स भी हमने ख़रीद लिए हैं। अब हम जा रहे हैं घर, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।